वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यार प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आप लोगों की फरमाइश पर मैं मेरे स्टाइल में चिकन चंगेजी बनाती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यह 2 पाउंड चिकन है आधा किलो के आसपास, तो इसको हम झटपट मैरिनेट करते हैं। अब मैरिनेट करेंगे हम 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून क्रश पेपर यानी कुटी हुई मिर्चें। तो ये सब हम झटपट इसमें डाल देंगे हमारी चिकन में। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट। इसको आप मैरिनेट करके भी रख सकते हैं और अगर चाहें तो सेम टाइम पे भी बना सकते हैं। और यहाँ हमारे पास है 4 टेबलस्पून दही। अब इसको हम सबको अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से चिकन में आ जाएं। अब आप ये इस पॉइंट पर फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं ताकि आपको जब कभी बनाना हो तब आप निकाल सकें। फ्रिज में भी रख सकते हैं, 1 दिन पहले भी रख सकते हैं, आधा पौना घंटा भी रख सकते हैं और सेम टाइम पे भी बना सकते हैं। तो मतलब बेसिकली आपका आधा काम तो ये मैरिनेशन का पहले ही हो सकता है। चले अब हम क्या करते हैं, ये देखें हमारे पास एक फ्राई पैन है उसका चूल्हा ऑन करते हैं। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2-3 टेबलस्पून तेल, ये इतना चला गया। और यहाँ जो एक पैन हमारे पास रखा हुआ है उसका भी चूल्हा ऑन करेंगे और इसमें भी डालेंगे अराउंड 2-3 टेबलस्पून तेल। चले अब ये चिकन जो है ये हम डाल देते हैं अपने पैन में। बेसिकली हमने उलट इसलिए नहीं दिया कि हमें एकदम से सारा डाल के और बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं कर देना है, थोड़ा सा फासले पे भी रखेंगे और इसको थोड़ा सा, ज़ाहिर है दही का पानी वगैरह छूटेगा लेकिन हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो चले देखिए ये अब हमारा चूल्हा गर्म हो गया है तो अब हम इसको फ्राई पैन को यहाँ रख देते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं। ये इसको पलटते जाएंगे वक्तन और ये तेल में हम डालेंगे हमारी प्याज जो कि आधा कप है फ्राई। आपके पास अगर नहीं है तो इस पॉइंट पर आप फ्राई करेंगे। तो ये चली गई प्याज आधा कप, तो बेसिकली ये आपकी कच्ची प्याज है जो है वो फ्राई हो गई जो कि मेरी फ्राइड ही थी। चले अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। ये चला गया इसमें, इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप टोमेटो प्यूरी। अगर टोमेटो की प्यूरी नहीं है आपके पास तो आप टोमेटो को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। और अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है जो कि बड़ी इजी और मज़ेदार सी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा मज़ा आएगा। चले इसमें अब हम 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे ताकि ये हमारा टोमेटो प्यूरी भी निकल जाए। यहाँ हमारे पास देखें 3 टेबलस्पून काजू का पाउडर है, ये डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, काजू डाला है तो पेस्ट सा बन रहा है, इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी भूनेंगे। बस 2-3 मिनट मसाले को अच्छे से भूनेंगे। चूल्हा हमारा मीडियम हाई पे है और थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डाल डाल के 1-1 टेबलस्पून भूनेंगे ताकि अच्छा सा मसाले का फ्लेवर आ जाए। ये देखें इसको अब हम जो ब्राउन हो गई उसको हम थोड़ा पलटते हैं। ये देखा आपने, एक साथ डाल देते तो लिक्विड हो जाता सारा,
फैला के डाला है थोड़ा एक एक करके, तो क्या टाइम लगा उसको मॉइस्चर निकालने में। थोड़ा सा फासला फिर कर देंगे, करीब करीब नहीं रखेंगे, थोड़ा दूर दूर कर देंगे। अच्छा ये देखिए थोड़ा सा मैरिनेशन का मसाला जो बचा हुआ है वो अभी हम इसमें डाल देंगे। चले अब हम, हमारा मोस्ट ऑफ काम हो गया है, अब ये टाइम आ गया है कि हम कोयले को जला लें। तो एक चूल्हे पे ये देखें मैंने कोयला रख दिया है, अब इसका भी टेक केयर करेंगे, इसका भी करेंगे और कोयले का वेट करेंगे। बस मसाले को बेहतरीन तरीके से भूनना है। इस डिश की की ये है कि ये मॉइस्चर इसमें से निकल जाए और ये बड़ा अच्छा सा भुन जाए। तो हम पानी का एक एक टेबलस्पून डाल के अच्छे से भून लेंगे। देखें कितनी अच्छी सी ये फ्राई हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटर में थोड़ी सी जगह करेंगे और यहाँ एक ऑयल की प्याली रखेंगे और उसमें हमारा डालेंगे कोयला, ऊपर से एक आध बूंद डाल देंगे ऑयल की और उसको कवर कर देंगे और चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, मीडियम जितना कर देंगे। और यहाँ हमारा देखें मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे एक कप पानी। चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, मीडियम हाई कर देंगे, मीडियम पे हम भून रहे थे। और इसमें डालेंगे हम 4 टेबलस्पून दूध, यानी क्वार्टर कप के आसपास दूध। बस चले ये चूल्हा अब हम बंद करते हैं, हमारा धुआं भी अच्छे से हो गया है, इसको निकालते हैं। और सारी चिकन जो है हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं शोरबे में। इसको अच्छे से हिलाएंगे और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप क्रीम। चाहे आप क्रीम डाल दें, चाहे आप मलाई डाल दें, किसी भी किस्म का जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये आधा कप है। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। हिलाएंगे इसको अच्छे से और इसमें डालेंगे 2-3 हरी मिर्चें इस तरह से तोड़ के। अब चूल्हे को कर देंगे मीडियम लो, मीडियम लो कर देंगे और इसको आप कवर कर देंगे। चले अब मिलते हैं 15 मिनट्स में, जब तक के चिकन गल जाए। जब तक देखिए खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है, पूरे घर में फैली हुई है। और अब 15-17 मिनट हो गए हैं, हम खोल के देखते हैं कि लग कैसा रहा। ये देखिए ज़बरदस्त, बिल्कुल। अब आप पे डिपेंड है कि आपको कितनी ग्रेवी रखनी है। अगर आप चाहें तो आप इससे थोड़ा सा ड्राई भी कर सकते हैं, चिकन आपकी गल गई है कि नहीं वो आप देख लें। मैं तो चिकन कह रही है कि मैं बड़े अच्छे से गल गई हूँ। तो चले अब हम चूल्हे को बंद करते हैं और डिश आउट करते हैं। देखा कैसे झटपट हमने ख़तरनाक सी चिकन चंगेज़ी बना दी। ऐसी खुशबुएं आ रही थी और आपने देखा इसका टेक्सचर वगैरह ये सब। और द गुड थिंग एडवांस में बहुत कुछ किया जा सकता है, रखा जा सकता है, नहीं रखना हो नहीं रखा जा सकता है, मतलब लाइफ इज़ गुड। तो चले मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। ओह
खतरनाक। चिकन का टेक्सचर इतना मज़ेदार है, मसाले सब अंदर डले हुए हैं, चुपड़े हुए हैं और फिर टेंडर है। और जो अलग से हमने मसाला जो भुना था, ख़ास तौर से उसमें काजू का पेस्ट पाउडर व्हाटएवर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर मलाई वलाई गई है, चटपटा विथ वेरी रिच एंड वेरी मज़ेदार। आप लोग ये बनाएंगे तो आप पार्टी लूट लेंगे। तो जाए लुटवाएं पार्टी को बिना एफर्ट के। देखिए मेहनत ही नहीं करनी है और पार्टी लुट गई। तो चले जल्दी जल्दी जाए बनाएं, मैंने आपकी परवाहिश पूरी की, अब आप लोग धमाल मचाएं। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ऐसी खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।